नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रेवाड़ी में इन दिनों चोरों के हौसले बहुत बुलंद है। लोगों में ये आम चर्चा होने लगी है कि यहाँ चोर मस्त है और पुलिस पस्त है। चोरों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अब भगवान के घर को भी नहीं बख्शा है। ऐसे में अब यहाँ भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा वारदात में चोरों ने मंदिर में दान पात्र को तोड़कर 70,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। गौरतलब है कि चोरों की ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस अब फुटेज को खंगाल कर चोरों तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। इस वारदात से 12,000 स्थित माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में भारी रोष है। इसी बीच पुलिस का यही रटा रटाया जवाब है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि अब से पहले भी इसी मंदिर में चोरी हो चुकी है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। मेरे पास सुबह 6:45 मंडे का फोन आया 5:35 पे, क्या जैसे मंदिर के दान पात्र के ताले टूट गए हैं। तो मैं महेंद्र भैया, महेंद्र चक्रवर्ती, हमारे मतलब पुराज जी, बिट्टू भैया जी, सुनील जी, हम सब यहाँ मेंबर आ गए। यहाँ पर आके देख करके हमने दोनों दान पात्र के ताले टूटे हुए थे। लगभग इसमें 1 महीना 5-7 दिन के पैसे थे, लगभग 70,000 से 1,00,000 के बीच में था, जो वो चोरी करके ले गए हैं। जब हमने SCCTV फुटेज को चेक किया हमने, तो उसमें लगभग 6:45 के करीब जो चोर था वो हमारे मंदिर में घुस चुका था और ऊपर वो छुपा हुआ था। उसके बाद उसने 9:35 के बाद सारी कार्यवाही करी और उसने सारे ताले तोड़ करके वो यहाँ से सारा कैश ले गया। तो हमने भाड़ा उसको किसी भैया फोन के 5:30-6:00 6:00 भाड़ा उसको किसी पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने सारा स्ट्रेट करके निगाह मार के सारा बात करके हमसे 10:30 बजे टाइम दिया। अब 10:30 बजे दोबारा वो पुलिस आई है, सारा चेक करा। अब हमने उनको सारे फुटेज भी दे दिए हैं। हमारी यही आपके माध्यम से प्रार्थना है पुलिस से कि हमारा जो मंदिर का दान पात्र टूटा है उसके सारी रिकवरी कराएं। दान का समाज का पैसा है, दान का पैसा है, क्योंकि लोगों के सजा पात्र है। क्या है पूरा मामला? ये कोई बंदा है, एक लगड़ा आदमी है, वो उसकी रेकी करवा रहा है, और एक लड़का जो बैग लिए हुए है, जो जिन्हें से ऊपर चढ़ता है, शाम को करीब 8:30-9 बजे ऊपर चढ़कर छुपकर सो जाता है, और उसके बाद रात के टाइम में वो कैश निकाल कर चोरी करता है। एक बंदा जो ये अपने जो मंदिर के जो कमेटी है उन्होंने चिन्हित कर लिया है, उसको हम अभी ट्रेस आउट कर रहे हैं और 100% ये ट्रेस आउट हो जाएगा। सर बात करें कैश की, कितना कैश है आपको चोरी हुआ? कैश अभी ये फिक्स बताएंगे, पूरी जो भी डिटेल है वो फिक्स बताएंगे। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी, सुबह 6 बजे हमें इतला मिली थी, उसी वक्त हम मौके पर आ गए थे, सारा सब कुछ स्पष्ट है, फुटेज देख लिए हैं, पेन ड्राइव में वो डलवा रहे हैं और जल्दी ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें एक बंदा इन्होंने शनाख्त किया है, अगर वो सही शनाख्त है तो हम पहुँच जाएंगे। सर एक सबसे बड़ा सवाल कि जब वो रात को सीढ़ी ऊपर से गए और रात को जाकर सो गया, क्या उस समय यहाँ पर कोई नहीं था? ये जारी है, हो सकता है ध्यान नहीं रखो, साइड में जीना जी, और वो पहले चढ़ के ऊपर छुप गया, वो अनजाने में भी वो छुप गया, उसका कुछ जरूरी नहीं है कि भाई हर चीज भाई आदमी को पता चले। देर रात अंजाम दे, और जब वो जब चले गए, जब उसके बाद रात को